सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मिस्टर परफेक्ट। फ्रेंड्स, ये देखो तरबूज और ये देखो इतना सारा रबर बैंड और बहुत सारा वीडियो हम लोग यूट्यूब पे देख चुके हैं कि रबर बैंड तरबूज पे लगाने से क्या होता है, तरबूज फाट जाता है। तो वही आज हम चेक करेंगे और कितना रबर बैंड एक तरबूज में लगने के बाद वो फट जाता है। हम तो बचपन से पागल है, आप लोग ऐसा कुछ भी ट्राई मत कीजिए। इस देर किस बार की, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है और कितना रबर बैंड हम इस तरबूज पे लगा सकते हैं, उसके बाद ये तरबूज फट जाएगा। तो पहले हम एक लगा देते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इधर पूरा 150 लगा दिया अभी और अभी देखते हैं और कितना लगता है। लेकिन इस साइड से थोड़ा सा चिपक गया है, मुझे लग रहा है और ज़्यादा नहीं, और थोड़ा लगाने से फट जाएगा। तो देखते हैं फटता है या नहीं। अभी थोड़ा रिक्स है, इसीलिए मैं सेफ्टी ग्लास लगा देता हूँ, क्योंकि पता नहीं आँख में आके लग सकता है। और अभी फिर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हमने पूरा 300 रबर बैंड इस पर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक देखिए थोड़ा इधर से हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी 300 और लगेगा। तो देखते हैं कितना रबर बैंड एक तरबूज को फोड़ सकता है। अभी तक हमारा वाटर मिलन कुछ नहीं हुआ, देखते हैं और कितना रबर बैंड लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी फटने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो वाटर मिलन था उसका क्या हुआ, पूरा 1000 हमने रबर बैंड लगा दिया, लेकिन अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ। तो अभी हम सोच रहे कि उसको ऐसे गिरा के देखेंगे कि क्या होता है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है, कहाँ गिराओ, बाहर लेके चलते हैं। तो हम उसको अभी गिराने वाले हैं और देखते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए वाटर मिलन पूरा फट गया, लेकिन एक वाटर मिलन को फट तोड़ने के लिए कम से कम 20,000 रबर बैंड चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और हम मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।